everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you are doing well. कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? I hope आप सब लोग अपने तैयारी में लगे हुए हैं, एग्जाम के लिए daily कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, revise कर रहे हैं. Start करते हैं अपना आज का lecture. देखिए, इस particular lecture में हम भाटागाय का क्रेटर के बारे में बेसिकली देखने वाले हैं, या भाटागाय का क्रेटर के बारे में देखने वाले. अब देखिए, ये जो क्रेटर है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है एंड इट इज सिचुएटेड इन रशिया. एंड इसके थ्रू साइंटिस्ट को कुछ एक अलग सी अलार्मिंग सी बात पता चली है. कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो क्लाइमेट चेंज से बताया जा रहा है, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो यूपीएससी हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ प्लेसेस जो कि करंट अफेयर्स के अंदर रहे हैं. तो हम देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये प्रेजेंट है ना, इसमें क्या फिनोमेना देखने को मिल रहा है. और जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, पर इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, अन अकेडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं. एंड इस समय जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. और जो एक बात याद रखिएगा, अन अकेडमी का आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, AMS लाइफ इस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा. जैसे यहाँ पर यूज करोगे यहाँ पर भी बेनिफिट मिल जाएगा. अन अकेडमी यूपीएससी प्रॉमिस से आप जुड़ सकते हैं. अन अकेडमी के यूपीएससी नोट्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इनको भी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. कोड आपको सेम ही यूज करना है, AMS लाइफ. ऑल स्टार बैच से जुड़ सकते हैं. प्रतिज्ञा बैच जो कि कोर हिंदी के अंदर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द सेम कोड. ऑप्शनल की तैयारी भी आप अकेडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं. ऑल्सो 23rd of July को हुआ था स्पेशल कॉम्बैट टेस्ट. ऐसे ही आगे जब भी टेस्ट आते रहेंगे मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी, जैसे आप इन टेस्ट को जरूर दें. एक तो आपको ये पता चलेगा प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर लाए करते हैं. ऑल्सो देखो, अच्छी रैंक आती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, यू कैन ऑल्सो विन एक्स्ट्रा एटिंग गैजेट्स. तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदे ही फायदे. ऑल्सो फ्री टेस्ट है. मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी आउट हो चुकी है अन अकेडमी की, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं. फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं. चलिए अब देखिए, रशिया के कहां पर हमें ये क्रेटर देखने को मिलता है, तो रशिया के फार ईस्ट एरिया में हमें ये क्रेटर देखने को मिलता है जिसका नाम है भाटागाय का. अब इसके अंदर कुछ अलार्मिंग सी चीजें देखने को मिली है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बताई जा रही है. हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा या बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है एंड यहाँ पर हमें ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है. ये एक थ्रेटनिंग बात सिर्फ रशिया के लिए नहीं है, बट ओवरऑल हमारे प्लैनेट के लिए भी थ्रेटनिंग है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब देखिए, ये जो है ये स्पेशली इन साका रिपब्लिक एरिया में हमें देखने को मिलता है. रिमोट रीजन हैज बिकम अ फोकल पॉइंट फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इसी के थ्रू जो साइंटिस्ट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को समझना चाह रहे हैं कि उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हमारे अर्थ के ऊपर पड़ रहे हैं. अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है. परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है वो ग्राउंड या फिर सॉइल जो कि फ्रोजन या फिर जमी हुई रही हो एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 2 या 2 साल से अधिक के लिए. तो अगर 2 या more than 2 years के लिए अगर कोई पर्टिकुलर एरिया या ग्राउंड कंप्लीटली फ्रोजन रहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस तो वो एरिया को कहा जाता है एज अ परमाफ्रॉस्ट एरिया या फिर परमाफ्रॉस्ट क्रेटर. ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सॉइल हो गया, रॉक हो गया, सैंड हो गया, है ना, टुगेदर विद आइस, ये सब मिलके कहीं ना कहीं परमाफ्रॉस्ट क्रेटर को फॉर्म करते हैं. ज्यादातर ये हमें हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में नियर द पोल्स जैसे कि आर्कटिक हो गया, सब आर्कटिक रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ पोल में हमें देखने को मिलता है. बट अभी हमें यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है ना. अब इसका क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एंड दिस कैन बी अ रीजन, मतलब दिस कैन बी अ सिचुएशन जो कि रीजन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. देयरफॉर जो भी जो है क्लाइमेटोलॉजिस्ट होगा या साइंटिस्ट होगा, दे आर एक्चुअली डूइंग देयर स्टडी ऑन इट कि क्यों हो रहा है ये सब.
एज टेम्परेचर राइज, एक जो पहले जो फ्रोजन रहा होगा ग्राउंड, वो एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है जिसको डेग्रेडेशन कहते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोलोसल क्रेटर, एंड दिस इज व्हाई दिस क्रेटर इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे। अब ये जो परमाफ्रोस्ट है, इट हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, अगर हम रशिया की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, फिर उसके बाद बकलिंग रोडवेज, स्प्लिटिंग हाउसेस, है ना, दे आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पाइपलाइंस हो गए, तो इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज डिस्ट्रक्शन हो रही है। एज रशिया एक्सपीरियंस कर रहा है वार्मिंग रेट, अगर हम देखें 2.5 times हायर देन द ग्लोबल एवरेज, एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ओवरऑल देखने को मिल रहा है, एंड एनॉर्मस क्वान्टिटी। अब देखो एक और चीज है, ये जो परमाफ्रॉस्ट थॉज है, ये एनॉर्मस क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन भी रिलीज करते हैं इन टू द एटमोसफेयर, विच इज नॉट गुड फॉर अस ओवरऑल। तो ओवरऑल हमें ग्लोबल वार्मिंग का ही इंटेंसिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज एंड ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ इट। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, एंड उसी की वजह से और भी ज्यादा नुकसान हमारे सामने आ रहा है, एंड इसीलिए इस जगह को कहा जाता है एज गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड बिकॉज इट इज हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रशिया, एंड नॉट ओनली ऑन रशिया बट ओवरऑल ऑन द वर्ल्ड। तो ये पूरा न्यूज के अंदर था अबाउट दिस भाटागाय का क्रेटर। यूपी के एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो रशिया के फार ईस्ट एरिया के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए क्रेटर क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों न्यूज के अंदर है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है। ऑल्सो यू शुड नो दैट ये जो होते हैं, ये जो परमाफ्रोस्ट क्रेटर्स होते हैं, दे ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमोसफेयर विच मे लीड टू विच ऑब्वियसली लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एट अ हायर स्टेज। तो ओवरऑल हमें ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिल रहा है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस, एंड ऑल्सो नीचे लाइक का बटन दबा देना, जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबा देना। चलो बाय, टेक केयर।